अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपसे प्यारे पति नहीं हो सकते राजीव बाबू। ये भी तुम्हारी ही तपस्या का कारण है, वरना हम तो क्या ही थे, उजड़, कठोर, जिद्दी। आप जैसे थे जैसे हैं, हमारे लिए देवता है। याद है तुमको, तुमने एक दिन हमसे कहा था कि हम तुम्हारे लिए नंबर वन पे हैं और तुम्हारे भोले बाबा अब नंबर टू पे हैं। तुम ना अपने भोले बाबा को ही नंबर वन रखो, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ जो जो किया है ना, उसके बाद हमें नहीं लगता कि हम नंबर वन रहने के काबिल भी हैं। वो तो आप हमारे मन से पूछिए। आप नंबर वन हैं और हमेशा नंबर वन रहेंगे। लेकिन एक बात सच कह राजीव बाबू, हम आपके सामने हमारा कोनो गिनती नहीं है, माने हम आपका बराबर नहीं कर सकते कभी। ये बात ना तुम हमारे मन से पूछो, क्योंकि हम ना तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखा करते, और जानती हो हमारी मन की आंख क्या कहती है? हमारी मन की आंखें कहती है कि तुमसे सुंदर लड़की ना कोई हो ही नहीं सकती। वैसे एक बात बोले, बहुत वक्त हो गया हमने तुम्हारा गीत नहीं सुना। वो क्या है ना कि तुम्हारा गीत सुनकर ही हमने सोना सीखा, तुम्हारा गीत सुनकर ही हमने जीना सीखा है। तो क्या हमारे लिए तुम एक गाना गा सकती हो प्रेम का, प्लीज? शीशे की गेंद के अंदर हम बताते हैं, शीशे की गेंद के अंदर एक प्यार भरा जोड़ा नाच रहा है। सही कहा? एकदम सही। लाओ हमारा इनाम। राजीव बाबू क्या हो रहा है आपको? हाँ? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जानवी, बुआ जी, बूबी, किसी को मत बुलाओ। ठीक है, आप हमारा हाथ थाम लीजिए। ए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए राजीव बाबू का। कौन है वहां पर? कौन है? कैसा है बेटा? कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं किया तुमने? कहाँ था? पूरे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है माँ। जानते हैं पुलिस ढूंढ रही है तुझे, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? भाग जा यहाँ से। अपेश, जहाँ तेरा मन करे दिल्ली बॉम्बे जा, जहाँ जाना है वहाँ चला जा।
मन करे तो विदेश चला जा, लेकिन यहां से जा। नहीं जाता बेटा, देव नारायण चंदेल दरिंदा है, वो मार देगा तुझे। तू जा यहां से। नहीं मां, इतनी आसानी से नहीं। अब देश हम क्या कह रहे हैं, समझ हमारी बात। अब तुझे कुछ हो गया ना, हम ठीक ठीक मर जाएंगे। पहले मेरा शिकार सिर्फ देव नारायण चंदेल था, लेकिन अब राजीव चंदेल भी है। जब तक मैं इन दोनों को खत्म नहीं कर देता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। नाजायज तो इन्होंने मुझे बना ही दिया था, पकौड़ा नहीं बनूंगा मैं। अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि देव बाबू ने तेरे साथ ऐसा किया। तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो हमने आज तक तुझसे छुपा कर रखी, तू हमारे और शेखर की नहीं, बल्कि हमारे और देव नारायण चंदेल की नाजायज औलाद। विष्णु समझ क्यों नहीं रहा है, वो नहीं छोड़ेंगे तुझे, वो तो केस कर देंगे तेरे ऊपर। पुलिस को सारी जानकारी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, अब चाहे वो केस करे, सलाखों के पीछे डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो कर ही चुके ना, तो अब मर्डर का केस ही सही। कत्ल चाहे एक हो या दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खून सवार है मेरे सर पर, ये सारी पुलिस, ये सारी ताकत देव नारायण चंदेल मेरे बजाय खुद को संभालने में लगाए ना, उसके लिए बेहतर होगा। राजीव बाबू, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, कम से कम संजीव बाबू को तो बुला लेते हैं। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ मत कहना, किसी को कुछ जाने सुनने की जरूरत नहीं है। पानी 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 पी लीजिए, पानी पानी पी लीजिए, पानी पानी पी लीजिए। दर्द कम हो रहा है, ये नाक का खून भी थम गया है। आप हमारा हाथ थाम लीजिए, क्या हो रहा है आपको? ये भोले राजीव बाबू, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, कम से कम हम आपका सर पे तेल लगा देते हैं। चलिए यहाँ से उठिए, बहुत हवा चल रहा है, चलिए चलिए यहाँ से उठिए आप। कहाँ है वो कायर? कायर नहीं है वो, और हाथ हटाइए हमारे गले से। हम जानते हैं, तुमको मालूम है वो कहाँ है। इस वक्त माँ सामने है, वरना ऐसा चपट्टा मारता कि धर से सर अलग कर देता। मालूम है, पता है कि अवधेश कहाँ है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। क्यों क्यों नहीं बताओगी मुझे? कहाँ है वो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार शायद हम उसके गुनाहों को माफ भी कर दें, लेकिन इस वक्त उसको ताकीद कर दो कि आगे से ऐसी कोई हरकत न करे। हुआ वो जो कर रहा है आपके उकसाने पर कर रहा है। आज उसके अंदर जो नफरत आपके लिए भरी हुई है, वही तो निकल कर सामने आ रही है ना। तो फिर हमसे मौत मिलेगी उसको, बोलो उसको पुलिस के आगे समर्पण कर दे, वरना पुलिस की दबिश और तेज होने वाली है। तुम थी यहाँ पे मां, वरना ये जिस तक धमकी ये तुम्हें देखी गया ना, मौत मुझे नहीं इसे मिलेगी, वो भी मेरे हाथों से। राक्षसों के भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। देश मेरी बात सुन, तू जा यहाँ से बेटा।
से तेल गरम हो जाए, नहीं तो कोई उठ गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। आंधी हवा है लगता है। नहीं, कोई नहीं है, कोई देख लिया, कोई उठ गया तो फिर हमको राजीव बाबू का हालत बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब देखिए दोस्त से नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।